जापान के अंदर जिस साल में जापान गया था उसी साल की जो रिपोर्ट आई थी कि 90,000 लोगों ने खुदकुशी की है और इनकी अक्सरियत बल्कि ये सारे के सारे उस मुल्क के नौजवान लड़के और लड़कियां थे। 30,000 नौजवान जिस कौम में खुदकुशी करे, आप जापान में जो लोग गए हैं वो कौन सी आज़ादी है जो उनको नहीं मिली है? मादर पिदर आज़ादी, अखलाकी आज़ादी, यानी वो तमाम हुदूद जो हमारे रास्ते में लोग कहते हैं ये रुकावट है, उन तमाम हुदूद को पलांग चुके हैं, उनसे निकल चुके हैं। बदकारी हो, बदअखलाकी हो, वो कौन सी चीज़ है? बेहयाई, बेशर्मी और यानी, लेकिन इसके बावजूद उनकी मायूसी की हालत ये है कि 30,000 लोग एक साल के अंदर खुदकुशी करते हैं। अब पूरी पाकिस्तान में अपनी आबादी के हिसाब से गिने कितने लोगों ने खुदकुशी की है साल में। और उस साल जापान गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ था कि जो लोग खुद खुदकुशी करना चाहते हैं वो हमारे पुलिस सेंटर में आए, हमने एक मशीन तैयार की है, उस मशीन के अंदर खुद हमारे सामने अपने आप को डाल देंगे और ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो पुलिस की क्रिमिनल ब्रांच तहकीकात करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है कि वाकई ये खुदकुशी है या मर्डर है, किसी ने इसको कत्ल किया है या वाकई इसने अपने आप को खुद मार डाला है, इससे बचने के लिए कि 30,000 लोगों की तहकीकात से हम बच जाए तो हमारे सामने खुदकुशी करे। ये इन कौमों के इत्मीनान की हालत है, सुकून की हालत है। तो आज़ादी में तो इनको सुकून, अगर किसी को मिला हो तो हमें बता दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा।